नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, देख रहे हैं वीडियो टीवी भारत। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से पकड़ने को यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने पॉक्सो एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है, यानी भले ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट न हुआ हो फिर भी पॉक्सो के तहत इसे अपराध माना जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा है कि खराब नियत ही जुर्म का आधार है और इसे पॉक्सो एक्ट का मामला माना जाएगा। अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि कपड़े के ऊपर से बच्चे को टच करना यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट के मकसद को ही खत्म कर देगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बरे हुए आरोपी को भी दोषी ठहराया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा दी गई है। अब आपको बताते हैं पॉक्सो के तहत क्या क्या यौन अपराध की श्रेणी में आता है। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के प्रति यौन शोषण को कवर किया गया है। खास बात यह है कि ये कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी 18 साल से कम उम्र के लड़के, लड़कियां और ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए कानून में समान रूप से नियम है। आखिर क्या क्या पॉक्सो के तहत चाइल्ड सेक्सुअल क्राइम की कैटेगरी में आता है वो आप जान लीजिए। गलत नियत से बच्चों के साथ अश्लील बातें या इशारे करना, बच्चों के संवेदनशील या प्राइवेट पार्ट्स को गलत इरादे से या यौन हमले के इरादे से टच करना, बच्चों का पीछा करना, अकेले में ले जाकर गलत नियत से बातें करना, बच्चों को एक्सपोज करना या बच्चे के सामने खुद को एक्सपोज करना, बच्चे को पोर्नोग्राफी मटेरियल दिखाना या उसका इस्तेमाल जबरदस्ती पोर्नोग्राफी मटेरियल प्रोड्यूस करने में करना, बच्चों को अश्लील साहित्य पढ़ाना। पॉक्सो में ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी कवर किया गया है। सोशल मीडिया पर बच्चों को अश्लील फोटो या मैसेज भेजना भी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाती है। खास बात यह है कि पॉक्सो में नियत पर ज्यादा फोकस किया गया है। कानून में बच्चे की प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पॉक्सो कानून में शिकायत से लेकर सुनवाई तक की पूरी प्रक्रिया में बच्चे की प्राइवेसी और मानसिक शारीरिक स्थिति का पूरा ख्याल रखा जाता है। बच्चे के साथ साथ परिवार की भी पूरी पहचान गोपनीय रखी जाती है। न मीडिया वाले बच्चे के फोटो नाम छाप सकते हैं और न ही कोर्ट में बच्चे का नाम प्रकाशित किया जाता है। कोर्ट में भी वकील, जज और बच्चे के अलावा केवल जरूरी लोग ही मौजूद रह सकते हैं ताकि बच्चे को कम्फर्टेबल फील हो और प्राइवेसी भी बनी रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं प्रियंका आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।